ऐसा बच्चा जिसको कल सीट नहीं मिला हो, एनीवन, कोई जिसको फोटो सेंटर का सीट नहीं मिला हो, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस देखने वाले हैं। चल रहा था क्या क्या लिखा है सारे भाई? फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। एकदम कमीन, आपका क्लास है, आइए। हाँ है, आ जा, पूछना क्या है? अरे आइए, बातचीत कर रहे हैं। ओके चलिए, तो फैक्टर इफेक्टिंग हम लोग देखे थे, थोड़ा सा नोटबुक दिखाएंगे आप लोग फटाफट मुझे।
sociophyte sun plant. देखिए लाइट जो है, एक बार फिर से समझ लीजिए, कल भी मैंने ये बताया होगा आपको कि लाइट जो है वो है फोटोसिंथेसिस के फैक्टर के रूप में काम करता है, यानी कि लाइट जो है वो तीन तरह से एज ए फैक्टर के रूप में काम करते हैं। जैसे अगर लाइट है तो लाइट की इंटेंसिटी, लाइट का ड्यूरेशन और लाइट की क्वालिटी। तो क्वालिटी इंटेंसिटी यानी हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, उसी तरह ड्यूरेशन, जितना लाइट का ड्यूरेशन जितना ज़्यादा होगा उसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। और क्वालिटी, क्वालिटी आप जानते हो कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर ऑफ लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है। तो दिस इज द, ये कौन सा है वेवलेंथ, यानी इसी को हम बोले थे ना फोटोसिंथेटिक एक्टिव पार रेडिएशन, पार के नाम से फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन इसी का नाम था, जिसे पार के नाम से हम लोग जान रहे हैं। तो ये आपको पहले करा चुके हैं हम। तो यहां पर और ड्यूरेशन, जितना ज्यादा मोर ड्यूरेशन तो क्या होगा, मोर फोटोसिंथेसिस। हाई इंटेंसिटी तो हाई फोटोसिंथेसिस एट सर्टेन पॉइंट, लेकिन उस पॉइंट से भी अगर ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी होगी तो उस हाई इंटेंसिटी में क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल डैमेज हो जाएंगे, जिसको एटियोलेशन कहते हैं। क्या कहेंगे, एटियोलेशन, यानी जो प्लांट का लीफ ग्रीन कलर का है वो कन्वर्ट हो जाएगा येलोइश कलर में ड्यू टू वेरी हाई इंटेंसिटी क्लोरोफिल विल बी डैमेज दैट काउज इटियोलेशन। तो ये भी एक फैक्टर है, बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब देखो कैसे, जैसे कल कार्बन डाइऑक्साइड में एक कॉम्पेंसेशन पॉइंट और सैचुरेशन पॉइंट बताया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉम्पेंसेशन पॉइंट क्या कह रहा था, कल लिखाया नहीं था, डिस्कस किया था ना, जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी फोटोसिंथेसिस में जितना CO2 कंजम्पशन होगा उतना ही CO2 रिलीज होगा रिस्पायरेशन में, यानी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रिस्पायरेशन इज सेम इक्वल। बट नॉर्मली क्या होता है प्लांट में, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रेट ऑफ रिस्पायरेशन से, इसीलिए ड्यूरिंग द डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होता है। तो आप क्या कहते हो कि प्लांट O2 देता है और CO2 लेता है, तो O2 किस में निकलता है, फोटोसिंथेसिस में। तो प्लांट फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा करता है एज कंपेयर टू रिस्पायरेशन, इसीलिए ड्यूरिंग द डे टाइम O2 को देता है और CO2 को लेता है, लेकिन रात में उल्टा हो जाता है, प्लांट O2 को लेता है CO2 को देता है। क्यों, रात में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, रिस्पायरेशन तो कंटिन्यू होगा, तो इस वजह से वो रात में O2 को लेने लगता है और CO2 को दे देता है। तो ये ज्यादातर प्लांट में इस तरह के सिचुएशन देखने को मिलते हैं। तो लाइट की वजह से, तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड में जो देखा, तो उसी तरह से कंपनसेशन पॉइंट ऑफ लाइट, लाइट का कंपनसेशन पॉइंट तो जिस पॉइंट पे लाइट के जिस पॉइंट पे
फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वह रुक जाए या स्लो डाउन हो जाए, यानी कहने का मतलब कि जो एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड ऑर्गन ऑफ या एल्यूमिनेटेड ऑर्गन, वो रुक जाए या डिक्रीज हो जाए, उसी को कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट। तो दैट इज ये लाइट का कंपनसेशन पॉइंट हुआ। लिखेंगे इसको चलिए फटाफट लिखिए, कुछ एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना है अभी। एट विच एट पॉइंट इन लाइट इंटेंसिटी, एट पॉइंट इन लाइट इंटेंसिटी, एट पॉइंट इन लाइट इंटेंसिटी व्हेन नो गैसियस एक्सचेंज इज ऑब्जर्व, व्हेन नो गैसियस एक्सचेंज इज ऑब्जर्व, नो गैसियस एक्सचेंज इज ऑब्जर्व बिटवीन एनवायरमेंट एंड, बिटवीन एनवायरमेंट एंड एल्यूमिनेटेड ऑर्गन। इल्यूमिनेटेड ऑर्गन का मतलब जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। बिटवीन एनवायरमेंट एंड इल्यूमिनेटेड ऑर्गन, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए पॉइंट इन विच, ए पॉइंट इन लाइट इंटेंसिटी व्हेन नो गैसियस एक्सचेंज इज ऑब्जॉर्ब बिटवीन द एनवायरमेंट एंड एल्यूमिनेटेड ऑर्गन। अब लिखेंगे लाइट सैचुरेशन, नेक्स्ट लाइट सैचुरेशन। लाइट सैचुरेशन में लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी एट विच ए प्लांट, लाइट इंटेंसिटी एट विच ए प्लांट कैन अचीव, एट विच ए प्लांट कैन अचीव, कैन अचीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, कैन अचीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड लाइट सैचुरेशन पॉइंट, इज कॉल्ड लाइट सैचुरेशन पॉइंट, इट कॉल्ड लाइट सैचुरेशन पॉइंट। और ये पॉइंट होता है 800 से 1000 फीट, फीट है ना, हाँ 1000 फीट कैंडल, 1000 फीट कैंडल। अब हेडिंग दीजिए CO2, अब देखो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में, CO2 जो है वो कितना है, 0.03% या फिर 360 ppm, ppm का मतलब पार्ट पर मिलियन, यानी एक मिलियन में 360 मॉलिक्यूल जो है वो किसके हैं, CO2 के। अगर 1 मिलियन मॉलिक्यूल लिया गया है एटमॉस्फेयर से किसी, ये एटमॉस्फेयर है तो यहाँ पर बहुत सारे एयर है, तो इस इतने 1 मिलियन ऑफ एयर को लिया गया है तो उसमें से 360 जो होंगे वह CO2 के मॉलिक्यूल हैं, तो इसीलिए उसको बोलते हैं पार्ट पर मिलियन यानी 360 ppm। अब जैसे यहाँ पर हम लोगों ने कंपनसेशन पॉइंट पढ़ा तो इसका भी कंपनसेशन पॉइंट लिखेंगे, इसका भी कंपनसेशन पॉइंट। पहले ये दे देंगे तो अब लिखेंगे कंपनसेशन पॉइंट। CO2 फिक्स्ड इन फोटोसिंथेसिस, CO2
fixed in photosynthesis. CO2 fixed in photosynthesis. Is equal to CO2 evolved in respiration. CO2 evolved in respiration and photorespiration. Evolved in respiration and photorespiration. एक मिनट, इक्वल टू CO2 इवॉल्व लिखे हैं, O2 इवॉल्व होगा ना, सॉरी CO2 नहीं, O2 इवॉल्व कर दीजिए. O2 इवॉल्व इन रिस्पायरेशन ऐसे दिखा दीजिए इसको. दिखा दीजिए इसको ऐसे. तो फोटोसिंथेसिस में क्या रहा है, CO2 क्या रिलीज हो रहा है, O2, और ये O2 किस में यूज होगा, रिस्पायरेशन में, क्या निकलेगा, CO2. तो ये इक्वल हो जाए, यानी इनका डिफरेंस और इसका डिफरेंस इक्वल हो गया, दैट इज द कंपनसेशन. अगर मॉलिक्यूल के फॉर्म में दिखाना है तो ऐसे दिखा सकते हैं, मान लीजिए यहां पर 5CO2 और यहां पर 5O2 इक्वल हो गया. मॉलिक्यूल से भी दिखा सकते हैं कि 5 मॉलिक्यूल CO2 और 5 मॉलिक्यूल O2, या फिर मॉलिक्यूल नहीं दिखाना तो डायरेक्ट ऐसे भी दिखा सकते हैं आप. तो जितना CO2 फिक्स होता है फोटोसिंथेसिस में, उतना ही CO2 इवॉल्व होगा रिस्पायरेशन में. हो गया ये. देखो C3 प्लांट का और C4 प्लांट का, इन दोनों का कंपनसेशन पॉइंट अलग अलग है. ये हो गया कंपनसेशन पॉइंट. ये होता है 5200 माइक्रोलीटर पर लीटर, और ये होता है 460 माइक्रोलीटर पर लीटर. ठीक है, C4 प्लांट का
450, ठीक है 460 हमको याद है इसे, और ये हो गया 0 to 10 माइक्रोलीटर पर लीटर, और 360 ग्रेटर देन 360 माइक्रोलीटर पर लीटर। तो ये हो गया कॉम्पनसेशन पॉइंट, ये हो गया सैचुरेशन पॉइंट। इसको बनाइए बॉक्स को, सैचुरेशन पॉइंट की जब इससे ज्यादा होगा तब वो सैचुरेट करेगा। यहां तक सैचुरेशन का मतलब क्या हुआ कि इससे आगे नहीं बढ़ना, ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया। तो यानी कि जब 450 माइक्रोलीटर पर लीटर से भी CO2 को ज्यादा देंगे तो उसके रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। उसी तरह 360 माइक्रोलीटर पर लीटर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 अगर देंगे, यानी उससे ज्यादा देंगे, तब भी उसके रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी सैचुरेट हो जाना। सैचुरेट होना कभी भी वर्ड जो है ना जनरली हम लोग किस लिए लगाते हैं, तो मैक्सिमम रेंज के लिए, यानी अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता है ये चीज, तो दैट इज द सैचुरेशन। ठीक है, तो सैचुरेशन जैसे लाइट में सैचुरेशन क्या बोले हम, कि उस पॉइंट पे आके अब लाइट की इंटेंसिटी अगर बढ़ा भी देते हैं तो फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा, तो वो सैचुरेशन पॉइंट हो गया। तो यहां पर देखो कंपनसेशन पॉइंट, कि जैसे ही अगर C3 प्लांट को, अब देखो C3 प्लांट C4 प्लांट में कितना डिफरेंस है, अगर 50 से 100 माइक्रोलीटर पर लीटर CO2 मिलेगा तो वहां पे फोटो रिस्पायरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा C3 प्लांट में। समझ गए बात को, फोटो रिस्पायरेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि CO2 का कंसंट्रेशन कम हो गया है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रिस्पायरेशन इक्वल हो जाएंगे उस सिचुएशन में। जितना CO2 फोटोसिंथेसिस में निकलेगा उतना ही CO2 रिस्पायरेशन से, मतलब जितना CO2 यूज होगा फोटोसिंथेसिस में उतना ही CO2 रिलीज होगा रिस्पायरेशन में, यानी इस तरह से। अब देखो यहां पर तो जितना, और C4 प्लांट में 0 से 10 माइक्रोलीटर पर लीटर, क्योंकि C4 प्लांट हाईली स्पेशलाइज है ना भाई, वहां पर C4 साइकिल चल रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर दो अलग अलग सेल हैं, वहां पर रूबिस्को का ऑक्सीजन से बाइंड करने का टेंशन नहीं है, तो कम से कम लो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 पे भी C4 प्लांट सर्वाइव कर सकता है आसानी से, क्योंकि वहां पर फोटो रिस्पायरेशन होने के चांसेस नहीं है। और यही सैचुरेशन पॉइंट 360 माइक्रोलीटर से भी ऊपर अगर देंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो सैचुरेट कर जाएगा, वो मैक्सिमम एफिशिएंसी दिखाएगा, तो दैट इज द सैचुरेशन पॉइंट। अब आइए टेम्परेचर, नेक्स्ट टेम्परेचर, कुछ वेट दो तो रखने के लिए। अब नेक्स्ट लिखेंगे टेम्परेचर,
देखो बेटा, प्लांट जो है वो काफी लो टेम्परेचर पे भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट कर लेता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस तक में भी अगर टेम्परेचर है तब भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टार्ट रहते हैं, लेकिन -0 डिग्री सेल्सियस भी -20 डिग्री सेल्सियस पे जो लाइकेन है, लाइकेन्स इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन, तो जो लाइकेन्स होता है वो -20 डिग्री सेल्सियस पे फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर लेता है, और कुछ जिम्नोस्पर्म है जो -35 डिग्री सेल्सियस पे भी फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर लेते हैं। कितना डिग्री पे? -35 डिग्री सेल्सियस पे भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जिम्नोस्पर्म के कुछ प्लांट कर सकते हैं, और -20 डिग्री सेल्सियस पे भी लाइकेन्स जो है वो अपना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर सकता है। बोलिए। अब जैसे आप देखिए -20 डिग्री सेल्सियस पे ह्यूमन बींग्स जाके रहता है ना, तो उसके बॉडी का ब्लड, बॉडी में क्या है 70% पानी है, तो क्या पानी वो अंदर का पानी पूरा बर्फ बन सकता है? नहीं। प्लांट जो है, तो प्लांट जो पानी सॉइल के अपर सरफेस पे जो वाटर है वो फ्रीज होता है, प्लांट जो सॉइल के लोअर सरफेस में यानी अंदर तक जो पानी है वो फ्रीज नहीं होता है। इवन जब आप लोग पढ़े होंगे तो कोई रिवर है, रिवर के आउटर सरफेस का पानी बर्फ बन जाता है और नीचे में पानी बहते रहती है, तो उसी तरह सॉइल का जो लोअर सरफेस है वहां पे पानी रहता है और वहां से वाटर को एब्जॉर्ब करता है प्लांट। अब प्लांट के अंदर का इंटरनल टेम्परेचर, वो अपने बॉडी के यानी प्लांट टिश्यू जो है अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर का सर्वाइवल उतने डिग्री सेल्सियस पे बनाए रखता है। यही तो वजह है कि जो अब जैसे वेस्ट इंडीज वाले को हम भेज दें हिमालय पे तो उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, और कश्मीर वाले को भेज दें वेस्ट इंडीज तो उस बहुत जल्दी मर जाएगा, ठीक है? वो क्या होता है, दिस इज द हैबिचुएशन। तो वही प्लांट वहां पे सर्वाइव करते हैं जिनका हैबिचुएशन यानी एडेप्टेशन पावर वहां के इन्वायरमेंट में सर्वाइवल करने की टेंडेंसी है। सारे प्लांट नहीं हो सकते हैं। जब आप इकोलॉजी पढ़ाएंगे आपको क्लास 12th में, तो मैंगो का प्लांट कनाडा में नहीं होता है, ठीक है ना? तो मैंगो का प्लांट किसी यूरोपियन कंट्री या कनाडा में नहीं होगा, मैंगो का प्लांट इंडिया, चाइना, नेपाल या पाकिस्तान, यही सब जगह होता है। तो वो इस एटमॉस्फेयर में सर्वाइवल बना सकता है, वहां नहीं। तो वहां पे कुछ और प्लांट होंगे तो उनको अगर यहाँ लेके आएंगे तो वो सर्वाइवल नहीं बना सकते हैं। तो वहां के टेम्परेचर, वहां के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग उनका बॉडी का एडेप्टेशन वैसा है, इसलिए वो वहां सर्वाइव करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि -35 डिग्री सेल्सियस पे भी वो प्लांट अपना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर लेता है, ठीक है? चलिए लिखेंगे इस चीज को। मिनिमम टेम्परेचर एट विच, मिनिमम टेम्परेचर एट विच मिनिमम टेम्परेचर एट विच मोस्ट प्लांट स्टार्ट मोस्ट प्लांट स्टार्ट फोटोसिंथेसिस मिनिमम टेम्परेचर एट विच मोस्ट प्लांट स्टार्ट फोटोसिंथेसिस 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस पे ये अपना स्टार्ट कर लेता है। अब लाइकेन्स कैन स्टार्ट -20 डिग्री सेल्सियस, सम जिम्नोस्पर्म
can start minus 35 degree Celsius. सब कुछ जिम्नोस्पर्म जो है वो माइनस 35 डिग्री सेल्सियस पे स्टार्ट कर लेते हैं. मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर डिजर्ट for desert plant 55 degree Celsius or hot spring algae शायद 70 degree होना चाहिए 75 degree Celsius 75 degree Celsius. Optimum temperature. Optimum temperature ten to 250. Ten to 25 degree Celsius for C3 plant. C3 plant है ना. हाँ. And 10 to 35 degree Celsius for C4 plant. Optimum temperature का मतलब जिस temperature पे वो अच्छे से survive कर सकता है. That is the optimum temperature. हो गया ये. अब आइए लिखेंगे. अब एक लिखेंगे O2. O2 भी एक फैक्टर है. It can show inhibitory effect which is called Warburg effect. देखिए तो एनसीईआरटी में H2O का भी दिया है. H2O भी एक फैक्टर है. ओके. टेम्परेचर वाटर भी है ना. हेडिंग दीजिए वाटर. तो वाटर इज ऑल्सो ए फैक्टर फॉर वाटर इज ऑल्सो ए फैक्टर फॉर photosynthesis.
water is also a factor for photosynthesis. Water is also a factor for photosynthesis. It causes a stress on leaf and stomata. तो जब वाटर अच्छे से अवेलेबल होगा तो स्टोमाटा में वाटर अच्छे से जाएगा, तो स्टोमाटा क्या होगा, ओपन. और अगर वाटर की एफिशिएंसी, वाटर कम होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कम होगी, तो स्टोमाटा का ओपनिंग कम होगा, साथ ही साथ लीफ जो है वो विल्ट होने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं. तो अगर लीफ सिकुड़ेंगे तो उसके वजह से क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएंगे. स्टोमाटा ड्यू टू देयर डेफिशिएंसी, सो लीव कैन विल्ट. Leaf can wilt and rate of photosynthesis will be decreased. लिखना है तो लिख सकते हैं, and rate of photosynthesis will be decreased. तो ये सारे जो हुए वो external factor हुए. अब internal factor. इंटरनल फैक्टर लिखेंगे, शेप एंड साइज ऑफ लीव्स. नंबर ऑफ मेजोफिल सेल in leaves, फिर number of chloroplast in leaves, leaf orientation, leaf का orientation, these are the internal factors जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं. जो फोटोसिंथेसिस को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे. हो गया. अब एक पॉइंट है कंफ्यूज करता है आपको, DCMU, डाइक्लोरोफिनाइल मिथाइल यूरिया. डाइमिथाइल यूरिया जिसे DCMU कहते हैं. DCMU, CMU और PAN, CMU और PN PAN, ये सभी जो हैं वह इनहिबिटरी हैं, इनहिबिटर हैं. ये क्या करते हैं, जब PH2 से इलेक्ट्रॉन पास होता है कहाँ पर, फियोफाइटिन पर, उसको ये क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं. तो ये ऐसे केमिकल हैं जो फोटोसिंथेसिस को रोक देते हैं, जिसकी वजह से प्लांट फाइनली मर जाएगा. तो फोटोसिंथेसिस को कैसे रोक देते हैं, इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देंगे कहां से कहां, तो पीएच टू से फियोफाइटिन तक.
एक केमिकल है पाराक्विट, दूसरा केमिकल है पाराक्विट। ये क्या करता है, पीएस वन से इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देगा कहां, फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स पे। ये इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर देता है फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स पे। उसके बाद में एक प्लांट है एट्रिप्लेक्स हफ्साटा, ये प्लांट C3 साइकिल चलाता है, और दूसरी का दूसरा प्लांट है एट्रिप्लेक्स रोसियस, ये C4 साइकिल चलाता है। लेसन कंप्लीट। अब एक समरी, मान लो अभी तक जो लोग एब्सेंट हुए हो या अभी तक भी जिनको कुछ बातें नहीं समझ में आई हो, तो वो आज उनके पास समय है, एक बार चीजों को आप एक बार फिर से समझ सकते हैं। देखिए, फोटोसिंथेसिस की मेन मोटा मोटी इंपॉर्टेंट बातें क्या सीखे हम लोग, कि कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता, यही बात सीखना है ना हम लोगों को। तो पहले आप देखो कि प्लांट में क्या है, लीफ, और लीफ में क्या होते हैं, मेजोफिल सेल, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहां पर यह एक लीफ है, ठीक है। अब इस लीफ में बहुत सारे क्या होते हैं, मेजोफिल सेल। अब इस लीफ के अंदर में बहुत सारे मेजोफिल सेल हैं, तो कोई एक मेजोफिल सेल को ले लेंगे, यानी यहां पर यह जो है यह एक मेजोफिल सेल हो गया। और इस एक मेजोफिल सेल में बहुत सारे क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, यानी रेड कलर तो दिखाई ही नहीं देगा उधर। चलिए, ये एक क्लोरोप्लास्ट हो गया। ये क्या है भाई, तो लीफ, इस लीफ में ये क्या है, तो मेजोफिल सेल। तो एक लीफ में बहुत सारे मेजोफिल सेल होते हैं, और इस मेजोफिल सेल के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं, तो ग्रैनम यानी थैलाकोइड बहुत सारे आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, ग्रैनम, यही बात है ना। और इस एक थैलाकोइड में, हर एक थैलाकोइड में चार कॉम्प्लेक्स होते हैं, द मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकोइड में क्या होते हैं, 4 कॉम्प्लेक्स। वो कॉम्प्लेक्स कौन कौन से हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स का नाम है ये हो गया PS2, यहां पर क्या है, साइटोक्रोम B6F, और यहां पर क्या है, PS1, इसका रिएक्शन सेंटर क्या हो गया, 700, और चौथा फोर्थ कॉम्प्लेक्स क्या है, कपलिंग फैक्टर F0F1 पार्टिकल या CF0 CF1 पार्टिकल, ये चारों कॉम्प्लेक्स दिख रहा है।
अब यहां पर ये ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड है तो इसमें क्या हो जाता है, ऑक्सीजन एवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है पीएच टू के पास, तो वो क्या करता है एच टू ओ को तोड़ देता है और क्या रिलीज करता है, दो इलेक्ट्रॉन, दो हाइड्रोजन आयन प्लस वन मॉलिक्यूल, हाफ ओ टू जिसे कहते हैं। अच्छा यहां क्या ट्रेवल करता है भाई, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, यानी इस मेम्ब्रेन के एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स तक क्या मूव करता है, इलेक्ट्रॉन। थैलाकॉइड के बाहर का पार्ट क्या कहलाता है, एस्ट्रोमा। क्या कहलाता है, एस्ट्रोमा। ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है ना, और इलेक्ट्रॉन जो यहां से यहां आया है ये फाइनली ट्रेवल करके कहां पहुंचता है, तो फेराडॉक्सिन एनएडीपी रिडक्टेज के पास कहां पहुंचेगा, एनएडीपी फेरिडॉक्सिन एनएडीपी रिडक्टेज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एफएनआर कहते हैं। जब एफएनआर तक इलेक्ट्रॉन पहुंचता है तो यहां पे एस्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन है और एस्ट्रोमा में ही क्या है, एनएडीपी प्लस है। ये एनएडीपी प्लस क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, कब, ये हाइड्रोजन आयन गया यहां से इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एनएडीपीएच प्लस एच प्लस में। ये पूरा लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो गया, खत्म, यही तो था लाइट रिएक्शन, इसी में तो हम लोग पढ़े नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो एनएडीपीएच बन गया, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होने के वजह से हाइड्रोजन आयन, तीन हाइड्रोजन आयन क्या दिखाते हैं हम लोग, एक बार में क्रॉस करता है, कितने, थ्री हाइड्रोजन आयन क्रॉस करेगा, यानी कि ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड से स्ट्रोमा में आएगा तो फाइनली क्या बन जाते हैं, एडीपी प्लस पीआई कन्वर्ट हो जाते हैं एटीपी में, तो एटीपी भी बन गया और एनएडीपीएच भी बन गया। अब इस स्ट्रोमा में ही क्या है, रूबिस्को एंजाइम है, तो अब इस स्ट्रोमा में ही यानी क्लोरोप्लास्ट इस स्ट्रोमा में ही क्या चलता है, C3 साइकिल या C4 साइकिल जो भी चीज है वो समझ लीजिए। तो यहां पर क्या होता है, फाइनली RUBP कन्वर्ट होता है किसमें भाई, RUDP3PGA में, और जब 3PGA में कन्वर्ट होता है तो यहां पर क्या लगा हुआ है, CO, यानी यहां पर है बंडल, ये एस्टोमाटा है, तो यहां से क्या आ गया है, एटमॉस्फेयर से CO2 यहां आया, ये CO2 इसमें बाइंड किया तो क्या बना दिया इसको, 3PGA, यहां पर क्या प्रेजेंट है, रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है, रूबिस्को एंजाइम के प्रेजेंट होने की वजह से जो 3PGA बना है, अब ये 3PGA कन्वर्ट होगा किसमें, पागल में या फिर DHAP में, जिसे आप क्या कहते हैं, ट्रायोज, NCERT में क्या दे दिया इसी का नाम, ट्रायोज, क्यों भाई, क्योंकि ये तीन कार्बन का सुगर है। अब ये पागल या धब बना, यानी जब तीन बार, यानी यहां पर तीन मॉलिक्यूल दिखा दिए, यहां पर भी दिखा दिए, तो यहां पर कन्वर्जन होता है किसका, तो यहां पर पहले 6 ATP कन्वर्ट होंगे 6 ADP में, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, 2 नहीं, कितना, 6 ना, 6 NADPH कन्वर्ट होगा 6 NADP प्लस में, कन्वर्जन हो गया। अब यहां पर टोटल कितने मॉलिक्यूल बने होंगे, यहां पर भी 6 मॉलिक्यूल और यहां पर भी 6 मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल में से 1 मॉलिक्यूल क्या हो गया, पागल का बाहर आ गया, बाकी के 5 मॉलिक्यूल फिर से इस तरह से साइकिल चला, जिसे हम लोग क्या कह रहे थे, C3 साइकिल। तो C3 साइकिल सभी प्लांट में मिलता है,
अगर यही कोई बंडल सी सेल यानी C4 प्लांट होता तो एक और सेल दिखा देते हैं, कौन सा बंडल सी सेल दिखा देते हैं हम लोग। अब यहां से जो पागल बन के निकला है, जैसे जैसे PGL यानी फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, पूरा नाम क्या है इसका, फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, जैसे जैसे फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड निकलते चला जाएगा, साइकिल कंटिन्यू चलते रहेगा। और यहां पर देखिए ये जो है, यहाँ पे ATP, यहाँ से NADPH आके यूज होंगे, ये जो NADP है फिर से यहाँ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो ATP है, आप यहाँ भी जानते हो कि ATP खर्च होता है, तो 3 ATP कन्वर्ट हुआ है 3 ADP में। तो ये जो ATP है यहाँ पर जो बना है वो यहाँ पर यूज होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, तो ADP फिर से ये ADP यहाँ आएगा, कन्वर्ट होगा ATP में। एक ही लीफ के, एक ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये सारा साइकिल चल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर लीफ के अंदर मेजोफिल, मेजोफिल के अंदर ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में ये क्या है, थैलाकोइड, और थैलाकोइड के बाहर का पार्ट क्या है, एस्ट्रोमा। अब जैसे जैसे PGL बनेंगे, PGL प्लस PGL, बहुत सारे PGL यानी और PGL, जब दो PGL बने तो क्या हो गया, ग्लूकोज, और फिर से ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज तो क्या हो जाएगा, सुक्रोज, और ये सुक्रोज बन करके ट्रेवल करेगा। अब ये सुक्रोज जो बना है, ये सुक्रोज इस क्लोरोप्लास्ट से कहां आ जाएगा, सेल के साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में ट्रेवल करके कहां जाएगा, रूट तक, जो कि आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में मैंने पढ़ाया। तो प्लांट में जो फ्लोएम के थ्रू, अब ये जो सुक्रोज है ये रिलीज होगा, सुक्रोज, और रिलीज होके कहां जाएगा, फ्लोएम के मदद से कहां, तो रूट तक ट्रेवल करेगा। यही प्रोसेस चलते रहता है कंटिन्यू। अब समझ में आ गई बात, यही है फोटोसिंथेसिस, पूरा का पूरा कहानी एक साथ में एक बार में यही सिखाता है और कुछ नहीं। अब उसी में एक अगर C4 साइकिल रहेगा तो एक अलग से दिखा देंगे भाई, तो उसमें क्या होगा, जो पेप है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कन्वर्ट होगा OAA में, मैलिक एसिड में, मैलिक एसिड जाकर के ट्रैवल करके फिर आएगा और कन्वर्ट होगा पाइरुवेट में, तो क्या रिलीज कर देगा, CO2, और उसी CO2 से फिर क्या चलेगा, C3 साइकिल। तो ये पूरा का पूरा यही है फोटोसिंथेसिस। और ये चीज जो हम लोग पढ़े, अब अगर लीफ के अंदर स्टोर भी होना है तो सुक्रोज और सुक्रोज या बहुत सारे ग्लूकोज और ग्लूकोज जब आपस में जुटेंगे तो वह बन जाएंगे स्टार्च, एंड दैट स्टार्च इज स्टोर इन द लीफ। आप समझे ना कि लीफ में क्या होता है, स्टार्च, तो स्टार्च कहां से आया, तो स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। यानी अगर प्लांट को यहां पर ये ग्लूकोज बनाया प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज डैश डैश डैश, और इसको ट्रेवल करके ये बना लेगा स्टार्च, और ये स्टार्च कहाँ होता है, तो लीफ में। तो लीफ का मतलब क्या, लीफ के जो सेल है उसमें होता है। तो अगर स्टोर होना है कार्बोहाइड्रेट के सोर्स के फॉर्म में, तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा लीफ में, और अगर ट्रेवल करना है, उसको ट्रांसपोर्ट होना है, तो किस फॉर्म में, सुक्रोज के फॉर्म में वह ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो सुक्रोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज लैक्टोज होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, और ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज वो होता है ना सुक्रोज, डाइसैकेराइड है ना, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज है सुक्रोज, और ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज क्या है, माल्टोज, हाँ वो माल्टोज है। ठीक,
तो यहां से सुक्रोज के फॉर्म में वो ट्रेवल करेगा फ्लोएम के थ्रू। अब समझ गए बात को, तो यही है आप। चलिए अब एमसीक्यू को ओपन कीजिए। जिसको भी अभी तक जो बात छूटी है, नहीं समझ में आया है, वो पूरा ये बात लिख के बना सकते हैं। एमसीक्यू सॉल्व किए थे आप लोग, टोटल 195 क्वेश्चन है इसमें। चलिए क्वेश्चन निकालिए, बनाइए फटाफट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अभी आप लोग इसके आगे एक लेसन पढ़ने वाले हैं रिस्पायरेशन कल से, उसमें आता है आरक्यू का वैल्यू। आरक्यू मतलब रिस्पायरेटरी क्यूटेंट, समझे? उसमें नंबर ऑफ CO2 इवॉल्व्ड एंड ऑब्लिक नंबर ऑफ O2 कंज्यूम। तो किसी चीज के ब्रेकडाउन में जो रिस्पायरेशन हम लोग करते हैं, तो बीटा ऑक्सीडेशन करके, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड टूटता है, उसमें कितना नंबर ऑफ ओ CO2 रिलीज हुआ है और कितना नंबर ऑफ O2 कंज्यूम हुआ है, उसी को कहते हैं आरक्यू वैल्यू। क्या कहते हैं? आरक्यू वैल्यू। इसीलिए आपको इस क्वेश्चन में उसको आरक्यू कहते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन बना दिया है PQ, यानी फोटोसिंथेटिक क्यूटेंट। फोटोसिंथेटिक क्यूटेंट कुछ ऐसा होता नहीं है, ये क्वेश्चन बना करके और नीचे स्टार लगा के देखिए दिया है PQ इक्वल टू O2 ऑब्लिक CO2। क्या दिया है? PQ इक्वल टू O2 ऑब्लिक CO2, क्योंकि हम लोग RQ इक्वल टू क्या पढ़ते हैं? CO2 ऑब्लिक नंबर ऑफ CO2 ऑब्लिक नंबर ऑफ O2 एवॉल्व। तो ये उसका उल्टा कर दिया, O2 ऑब्लिक CO2। अब देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन वैल्यू ऑफ PQ फोटोसिंथेटिक क्यूटेंट ऑफ ए लीफ। तो कितना होता है? आप देखो रिएक्शन को याद कीजिए। आप ये मिटा दूं मैं, सबका हो चुका है? किसी को नोट डाउन करना है? ओके, देखिए बेटा रिएक्शन को याद कीजिए। फोटोसिंथेसिस का 6CO2 प्लस 12H2O प्लस यहां पर क्या आएगा? लाइट और क्लोरोफिल। चलिए, और क्या देता है? C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। कितना O2 मिला आपको? कितना CO2 लिया था आपने? 6।
तो यानी कि 6O2/CXCO2 ये दोनों कट जाएंगे, इक्वल क्या हो जाएगा 1। यही रिस्पायरेशन जो RQ जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा, RQ की जब बात करेंगे तो वहां पर रिस्पायरेशन का फार्मूला इक्वेशन होता है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O और ये क्या देगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। समझ गए? तो यहां पर RQ अगर वैल्यू पूछा जाए कि कितना है, ये क्या है कार्बोहाइड्रेट है ना, तो पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट का RQ वैल्यू क्या है, कितना O2 लगा है 6 और कितना CO2 लगा है 6। तो वहां पर करते हैं 6CO2/6O2 इक्वल टू वहां भी आता है 1 कार्बोहाइड्रेट के लिए। तो इसीलिए आप देख लीजिए इसमें ये RQ वैल्यू जो है वह 1 दिए हुए, AP की वैल्यू 1 हो जाता है। तो ये ऐसा कुछ होता नहीं है, ये क्वेश्चन बना करके दिया है इसीलिए आपको वैल्यू नीचे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ट्वेंटी सेवन एल्गी ऑफ्टन फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ड्यूरिंग डे बट सिंक डाउन ड्यूरिंग नाइट ड्यू टू। तो फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ड्यूरिंग डे एंड नीचे बैठ जाता है वह सिंक एट द बॉटम ड्यूरिंग नाइट। जो एल्गी जनरली होते हैं उसमें गैस वैक्यूल होता है, कौन सा वैक्यूल, गैस वैक्यूल, ठीक है ना, खास करके साइनोबैक्टीरिया में। अब देखिए जब ड्यूरिंग द डे टाइम होगा और वह एल्गी है तो एल्गी में कौन सा रिएक्शन चलेगा, C6H12 C6H6CO2 प्लस 12H2O। तो दिन के टाइम में लाइट मिलेगी तो क्या होगा, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या करेगा वह, फोटोसिंथेसिस। तो क्या इवॉल्व होते हैं उसमें, यहां पर गैस निकला फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन से और ये फोटोसिंथेसिस जाके वैक्यूल में स्टोर होते हैं जिसके वजह से वो बायोंसी का नेचर दिखाता है। तो दिन के टाइम में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा है तो ज्यादा O2 निकलेगा, ठीक है, किससे, एज कंपेयर टू रिस्पायरेशन से, इसीलिए वो जो O2 है वो जाके उसके बॉडी में स्टोर होता है जिसके वजह से वो बायोंसी दिखाता है और इसलिए ड्यूरिंग द डे टाइम क्या होता है वो सरफेस पे फ्लोट करता है। लेकिन ड्यूरिंग द नाइट नो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस अगर नहीं हो रहा है तो O2 भी नहीं निकलेगा उसमें से, बल्कि O2 का क्या होगा, कंजम्पशन होंगे जिसके वजह से बायोंसी नहीं हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3030। व्हेन द रेट ऑफ ट्रांसलोकेशन इज स्लो द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सेल, ट्रांसलोकेशन कह रहा कि अगर स्लो हो जाए द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सेल इंक्रीज डिक्रीज रिमेन अनचेंज बिकम्स जीरो। आंसर जरा देखिए, इसका रिमेन्स अनचेंज दिया है, डिक्रीज दिया है, ये दो बातों पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन दे दिया है। अब यहां पर कह रहा है कि ट्रांसलोकेशन अगर स्लो हो जाए तो ट्रांसलोकेशन स्लो का किस रेट तक स्लो होना इस पे डिपेंड करता है। अगर ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या हुआ, वास्कुलर टिश्यू के थ्रू यानी जाइलम और फ्लोएम के थ्रू या तो वाटर या ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो ट्रांसलोकेशन होता है यानी मूवमेंट होता है दैट इज द ट्रांसलोकेशन। अब देखो यहां पर ये प्लांट है और ये प्लांट, यहां पर प्लांट का लीफ है और इस लीफ को फोटोसिंथेसिस करना है। आप बेटा जानते हो कि जो टोटल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है उसका सिर्फ 1-2% वाटर ही फोटोसिंथेसिस में यूज होता है।
तो इतना सारा पानी का काम क्या है? तो मेन रूप से वाटर जो है वह एस्टोमाटा को ओपन रखने में मदद करता है। तो अगर ट्रांसलोकेशन थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है तो उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। समझ में आई बात? अगर ट्रांसलोकेशन का स्पीड थोड़ा सा कम हुआ है तो नो चेंज, और अगर ट्रांसलोकेशन का स्पीड या रेट थोड़ा ज्यादा टाइम तक या ज्यादा डिक्रीज हुआ है तब जाकर के रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगा, क्योंकि ज्यादा देर तक होगा तो ऑस्टोमाटा धीरे धीरे क्लोज होगा, CO2 अंदर नहीं आ पाएगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। और क्यों ऐसा? तो ऑस्टोमाटा में पानी का रोल, ऑस्टोमाटा के खुलने और बंद होने में पानी का बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट बोलिए 56। इन ए कंट्रोल एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस CO2 सप्लाई सडनली विथहेल्ड। इन ए कंट्रोल एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस CO2 सप्लाई सडनली इन विथहेल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्यूमुलेट इन द प्लांट सेल? ओके, 3-phosphoglyceraldehyde, राइबोलोज, डाइफॉस्फेट, ग्लूकोज एंड फॉस्फोग्लिसेरिक एसिड। कह रहा है कि अगर हम लोग सडनली, एक फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट है और CO2 के सप्लाई को सडनली विथहेल्ड कर दिए, रोक दिए हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्यूमुलेट इन द प्लांट सेल? तो प्लांट के सेल में कौन जो है वह एक्यूमुलेट हो जाएगा? राइबोलोज, डाइफॉस्फेट एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा? राइबोलोज CO2 के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा तो 3PGA बनेगा ही नहीं। जब 3PGA नहीं बनेगा तो PGL भी नहीं बनेगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया है 3-phosphoglyceraldehyde, राइबोलोज, डाइफॉस्फेट, ग्लूकोज एंड फॉस्फोग्लिसरेलिक एसिड। ठीक है ना, तो यहाँ पर राइबोलोज जो है वह CO2 के साथ बाइंड ही नहीं करेगा तो 3PGA नहीं बन पाएगा। और कोई है? 82 तक चली गई। हाउ गुड, सीधे 82 में डाउट आया। ओके, कार्डिनल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर रेफर्स टू। कार्डिनल वैल्यू का मतलब, कार्डिनल वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम, एक मिनट बताता हूं। देखिए तो कार्डिनल मैक्सिमम है या मिनिमम, 1 या 2 क्या दिया है इसका आंसर? कंफ्यूजन है, बी सी नहीं, ये मैक्सिमम और मिनिमम के रेंज में लेके चलते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर कार्डिनल वैल्यू। कार्डिनल तो उसी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसको बताऊंगा, कंफर्म होने दीजिए, याद रखूंगा। क्वेश्चन नंबर 82, क्या झला है? 63। ओके, 1 मिनट। If an angiosperm is kept at compensation point, अगर कोई angiosperm को compensation point पे रखते हैं, it will die after some time, its growth will be normal, its growth will be faster, its growth will stop
बट इट विल नॉट डाई. कॉम्पनसेशन पॉइंट कह रहा है, तो कॉम्पनसेशन पॉइंट का मतलब तो पॉइंट एट विच CO2 जितना फोटोसिंथेसिस में फिक्स होगा उतना ही CO2 रिस्पायरेशन में इवॉल्व होगा एंजियोस्पर्म में. तो प्लांट अगर हम क्या कहे थे उस दिन, एग्जांपल क्या दिया था मैंने आपको कि आपका पर डे का खर्च कितना है 100 रुपीज, और घर से कितना मिलता है आपको 100 रुपीज, तो आप बैंक में जाके जमा डिपॉजिट कितना करोगे 0 रुपया. तो जमा डिपॉजिट करने का मतलब अगर प्लांट उतना ही CO2 यूज कर पा रहा है जितना CO2 रिस्पायरेशन में रिलीज होता है, तो बस अपना सर्वाइवल बनाएगा. ग्रोथ का मतलब क्या होता है डिपॉजिट, तो ग्रोथ नहीं हो पाएगा, बस किसी तरह अपना सर्वाइवल बनाए रखेगा. अब इसमें भी एक कंडीशन है बेटा. कंडीशन ये कि अगर प्लांट का साइज बड़ा वाला प्लांट है, जैसे मैंगो का ट्री हो गया, और उसमें कंपनसेशन पॉइंट आएगा, तो कुछ समय के बाद वो मर जाएगा क्योंकि उसका ग्रोथ बॉडी का वेट बहुत ज्यादा है ना, तो अपने कंपनसेशन पॉइंट पे बहुत ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं करेगा, ठीक है. लेकिन अगर प्लांट छोटा है तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ये प्लांट का नाम नहीं डाला है कौन सा प्लांट, ठीक है. एंजियोस्पर्मिक प्लांट का मतलब दूब ग्रास भी क्या होती है, घास जो होता है छोटा वाला दूब ग्रास, वो भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, तो उसका साइज तो बहुत छोटा है, तो ग्रोथ इनिशियली ग्रोथ नहीं होगा लेकिन सर्वाइव लॉन्ग समय तक कर सकता है वो किसी भी प्लांट का. ये मतलब ये खास करके जो प्लांट छोटे वाले शॉर्ट हाइटेड वाले हैं वो. अब बताइए 96, 92. When sunlight is on the chloroplast, pH is lowest in the pH जो है वह ल्यूमेन और थैलाकॉइड का हमेशा लो रहेगा. कहीं पर भी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा. आप याद करो, आप लाइसोसोम पढ़ाया था ना, लाइसोसोम, लाइसोसोम का पीएच लो होता है क्यों, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है. उसी तरह ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड में क्या था, हाइड्रोजन आयन ज्यादा है ना, तो उसका पीएच डाउन होगा. आए? 96. क्लोरोफिल शो एन आउटबर्स्ट ऑफ फ्लोरिसेंस, आउटबर्स्ट ऑफ फ्लोरिसेंस ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मोमेंट ऑफ एल्यूमिनेशन. दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इमर्सन इफेक्ट कहते हैं या कुटू स्काई इफेक्ट कहते हैं. देखो जो इलेक्ट्रॉन है हील इफेक्ट, कुटुएस्की इफेक्ट, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए लेकिन बता देता हूं मैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं लेकिन बता देता हूं क्या है, नहीं तो आपको लगेगा कि ये क्या है. जो आप पढ़े कि इलेक्ट्रॉन पीएस वन से पीएस टू तक ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, ये सॉरी पीएस टू से पीएस वन तक जा रहा है, और फिर पीएस वन से मेम्ब्रेन से बाहर स्ट्रोमा में गया एफएनआर तक, और वहां पे एनएडीपीएच बना लिया. तो जो इलेक्ट्रॉन स्पिन करके जाता है वही इलेक्ट्रॉन सफिशियंट एनर्जी देता है, ताकि एक बार आप देखो कि जब हम वहां पर नॉन साइक्लिक बता रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वह फियोफाइटिन और फियोफाइटिन से कहां जाता है प्लास्टोक्विनोन, और प्लास्टोक्विनोन से कहां जा रहा है साइटोक्रोम बी एफ पे, बी सिक्स एफ बी एन एफ, ठीक है. तो आप यहां पर देखना कि मैंने इस तरह से दिखाया है एडीपी कन्वर्ट होता है किसमें, एटीपी में. तो इलेक्ट्रॉन जब मेम्ब्रेन में एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स तक जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन सफिशियंट एनर्जी देता है कि
कि हाइड्रोजन आयन साइटोक्रोम B6F के थ्रू कहां आता है? ल्यूमेन ऑफ थैलाकोइड में आया है, दिखाया है ना, एनसीईआरटी में भी दिखाया हुआ है, हमने भी डायग्राम में दिखाया है। तो जब हाइड्रोजन आयन आता है तो जिसके वजह से यहां पर ATP बनता है, कहता है कि आखिर इलेक्ट्रॉन क्यों जा रहा है PS2 से PS1 तक, कोई तो रीजन होगा ना, या कैसे जा रहा है? तो ड्यू टू द रेजोनेंस, तो वहां पर इलेक्ट्रिक रेजोनेंस का फैक्टर आता है जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है, तो इसीलिए उसको कहते हैं स्पिन रेजोनेंस। और इसी स्पिन रेजोनेंस के वजह से यानी इलेक्ट्रॉन सफिशियंट एनर्जी देता है जिसके वजह से इस समय भी ATP का फॉर्मेशन होता है, समझे? और इसी यही जो बात है, ये जो समझाए, साइंटिस्ट का नाम नहीं याद है, लेकिन यही जो है, मान लिया यहां पर कुटुएस्की दे रहा है ना इफेक्ट, तो दैट इज द कुटुएस्की, इसी को कहते हैं फ्लोरिसेंस। इसी को क्या कहेंगे? फ्लोरिसेंस। फ्लोरिसेंस का मतलब लाइट के वजह से जो स्पिन रेजोनेंस हो रहा है इलेक्ट्रॉन में, दैट इज द फ्लोरिसेंस। और बताइए, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन 160, बहुत आगे चले गए, वेरी गुड, जाना भी चाहिए। 200 क्वेश्चन बनाने के लिए 2 से 2.5 घंटा सफिशियंट है। द C2 ग्लाइकोलेट साइकिल इज ऑल्सो नोन एज, ये फोटो रिस्पायरेशन है ना, उसी को C2 साइकिल, उसी को ग्लाइकोलेट साइकिल, या उसी को फोटो रिस्पायरेशन कहते हैं, ठीक। अब यहाँ ऑप्शन आपको लग रहा है कि कोई चीज नहीं दिया है, ठीक है ना, तो PCR, PCO, PPP और EMP, देखिए 4 ऑप्शन है। PP पाथवे, ये पाथवे जो है वो आपको नेक्स्ट लेसन में थोड़ा सा पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये पाथवे क्या करता है कि जो ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट करता है 5 कार्बन के ग्लूकोज में, ठीक है। EMP एम्बिडेन मेयर हॉफ परनास पाथवे, जिसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, तो ना ये होगा नहीं ये होगा। अब आइए PCO, ठीक है, और एक है PCR। अब वैसे तो ये फोटोसिंथेसिस का केस है, ठीक है ना, ऐसे PCR का मतलब होता है पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, लेकिन चूंकि क्वेश्चन किस में डाला है, फोटोसिंथेसिस के लेसन में डाला है, क्लास 12th में पढ़ना है, उसमें DNA से DNA के छोटे से फ्रैगमेंट को बहुत लंबा यानी बड़ा फ्रैगमेंट में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस है, उसकी एक मशीन होती है जिसे PCR कहते हैं। अभी कोरोना तो बहुत सभी लोग जान रहे होंगे, तो कोरोना का जो एक्चुअल टेस्टिंग है उसको कहते हैं RT-PCR, नाम सुना है RT-PCR। तो क्या करते हैं उस RT-PCR में, इसको बोलते हैं राइट टाइम पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, जो यहां पर लिखे हैं इसी का नाम है राइट RT-PCR। तो कोरोना के स्ट्रेन को हम लोग मिलियन टाइम्स एम्प्लीफाइड कर देते हैं, यानी बड़ा बना देते हैं, क्योंकि वायरस बहुत छोटा है, वो हमें पता नहीं चलेगा, नहीं दिखाई नहीं देगा, तो हम लोग क्या करते हैं उसी को बहुत बड़ा बना लेते हैं, और तब उसकी स्टडी करके फाइनलाइज करते हैं कि यह कोरोना इस पर्सन को है कि नहीं है। तो उसी लिए वहां पर टाइम ये लगा दिया है RT-PCR, तो वो PCR ही है। तो PCR का मतलब पॉलीमरेज चैन रिएक्शन होता है, ठीक है। और ये PCO कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज रिएक्शन इसको बोलते हैं। यहां पर फोटो रिस्पायरेशन क्यों होता है, रूबिस्को के प्रॉपर वे में काम नहीं करने से,
यानी जो ऑक्सीजन है वो आकर के क्या करता है, उसके साथ बाइंड करके उसको डिस्टर्ब कर देता है, यानी कि ऑक्सीजन इज द इनहिबिटरी प्रोडक्ट या कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, जिसके वजह से वो काम जो प्रोडक्ट बनना चाहिए था वो प्रोडक्ट नहीं बना। अब आंसर देखिए क्या दिया है, फर्स्ट की टू पीसीओ, ठीक है, तो पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चैन रिएक्शन के लिए है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 43। कैरोटीन एब्जॉर्ब, फिल इन द ब्लैंक्स, लाइट ट्रांसमिट, फिल इन द ब्लैंक्स एंड हेंस आर ऑरेंज इन कलर। कैरोटीन कैसे कलर का है, ऑरेंज या रेड में आता है वो, ठीक है ना, तो रेड एंड येलो, ब्लू एंड ग्रीन, लाइट एंड ट्रांसमिट, कौन से लाइट को करता है एब्जॉर्ब, तो ये रेड एक दिया है एब्जॉर्ब, कैरोटीन एब्जॉर्ब, ब्लू एंड ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड, एक ये हो सकता है, एक है आंसर, तो वही होगा क्योंकि यह इसका खुद का कलर ऑरेंज या रेड होता है, जो ऑरेंज और रेड है वो क्या करेगा, ज्यादातर ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। इसके लिए आप क्या करो कि एनसीईआरटी में एक ग्राफ दिया हुआ है, जो ग्राफ मैंने आपको करवाया है, तीनों ग्राफ बनवाया था, देखिए तो उसमें देखो कैरेटेनोइड का देखो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां पर है, ब्लू वाले लाइट पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन है उसका, और रेड लाइट पे देखो उसका एब्जॉर्प्शन कितना स्लो है, रेड लाइट पे उठा है, ये रेड लाइट पे दिखाया है उठते हुए, नहीं ना, क्यों, क्योंकि ये खुद कैसे कलर का है, ऑरेंज रेड कलर का, इसलिए उस लाइट पे ये ज्यादा पीक पे नहीं गया है। दिखा ग्राफ पेज नंबर 1210 में, और फर्स्ट ग्राफ को देखिए, येलो कलर से दिखाया है ना कैरेटेनोइड को, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए तो वहां पे ब्लू कलर के पास जो स्टार्टिंग का जो वेवलेंथ है वहां पे एकदम ऊपर में गया है, और रेड लाइट के पास क्या है, उठा है ग्राफ, नहीं उठा है वो, नीचे रह गया, मतलब उस लाइट को ये अब्जॉर्ब नहीं करता है, करता है मतलब बहुत ना के बराबर, समझ गए। नेक्स्ट 67, क्या कहता है 67, डीएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम एवो 40 डिग्री सेल्सियस एफेक्ट द लाइट रिएक्शन में, कोई एंजाइम आ रहा था नहीं, तो कौन से रिएक्शन में आता है, डार्क रिएक्शन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डीएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम एवो 40 डिग्री सेल्सियस एफेक्ट दी, तो लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल, समझी हिना देसाई। नेक्स्ट 70, एसिड कंसंट्रेशन इन सीएम प्लांट इज मोर एट, हाँ ये क्वेश्चन सही आया, ये डिस्कस करना भी है, एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा कब सीएम प्लांट में, ड्यूरिंग द डे टाइम या ड्यूरिंग द नाइट टाइम, क्यों, मैलिक एसिड रात में बन रहा है ना, और जाके मैलिक एसिड कहाँ स्टोर हो रहा है, वैक्यूल में, तो ज्यादा एसिडिक सिचुएशन कब होगा, ड्यूरिंग द डे या ड्यूरिंग द नाइट, नाइट, और जितने भी मैलिक एसिड हैं दैट कन्वर्ट इनटू पाइरुविक एसिड, तभी तो वो रिलीज करेंगे CO2, तो देख जब मैलिक एसिड कन्वर्ट होगा पाइरुविक एसिड, और पाइरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा पाइरुवेट में, ये सॉरी फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में, तो एसिडिक सिचुएशन कम हो गया ना, तो दिन में आधा काम, रात में आधा काम, तो रात में एसिडिक सिचुएशन ज्यादा रहेंगे। नेक्स्ट
चला है 79, सोचते होगे कि सर को झाला कैसे कर दूं, है ना 79। पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ फोटोरिस्पिरेशन रिड्यूस CO2 एंजियोटिक क्लोरोप्लास्ट एंड C3 प्लांट, बैलेंस द O2 CO2 रेशियो ऑफ प्लांट, इंक्रीज द यील्ड ऑफ प्लांट, डू नॉट हैव एनी पॉजिटिव इफेक्ट। क्या हो सकता है? पहले ही लिखा था कि फोटोरिस्पिरेशन इज द वेस्टफुल प्रोसेस, इसमें प्लांट को कोई फायदा नहीं होता है। ये क्या करता है प्लांट को, ATP का यूज कर लेता है, लेकिन उसके साथ साथ O2 का कंसंट्रेशन भी क्या करता है, कम करता है। देखो क्लोरोफिल के सिचुएशन में अगर O2 हेमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हमारे बॉडी का कलर अगर रेड है तो दिस इज ड्यू टू द हीम, कौन सा प्रोटीन, हीम प्रोटीन, एंड द ग्रीन कलर ऑफ लीफ इन प्लांट ड्यू टू द क्लोरोफिल। हमारे क्लोरोफिल में आपको एक चीज बताया था मैं, देखो क्या था, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के दो पार्ट किया था ना, एक हेड और दूसरा पार्ट टेल। हेड पार्ट बना हुआ था किससे, पोरफायरिन रिंग, ठीक है ना, तो यहां पर पोरफायरिन रिंग है और कितने 4, और बाकी एक टेल रीजन था फाइटोल टेल जिसे हम कहते हैं। अब आइए हीम, जिसे हेमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन का मतलब, ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन और हीम का मतलब होता है आयरन, तो इसके पास भी पोरफायरिन रिंग होते हैं, 4 पोरफायरिन रिंग होता है, बस इसके पास टेल नहीं होते हैं, और इसके 4 पोरफायरिन रिंग यहां पर बंधा हुआ था किससे, N से, और इसके 4 रिंग बंधे होंगे किससे, Fe से, इसीलिए यह कैसे कलर का, यह रेड कलर का। और आप जानते हो कि आयरन लोहा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है ना, जंग लगती है ना, केमिस्ट्री में पढ़े ना, तो ये जो होता है ये आसानी से O2 को कैप्चर करता है, समझ में आई बात। लेकिन यहां पर क्या है, ये नाइट्रोजन है, ये O2 को ज्यादा टॉलरेट नहीं कर पाता, अगर ज्यादा O2 मिलेगा तो ये डैमेज भी हो सकता है, इसका एक्शन जो है वह डाउन हो जाता है, तो इसकी टेंडेंसी जो है वह लाइट के लिए है और ये CO2 में फेवरेबल रहता है, और इसकी टेंडेंसी O2 के साथ बाइंड करने के लिए है, तो ये CO2 के साथ बाइंड करके फेवरेबल रहता है, इसीलिए एक हीमोग्लोबिन वो 4 O2 को कैरी करता है, समझ गए बात को, क्यों भाई 4 पोरफायरिन रिंग है ना, वो सब छोड़िए अभी, वो अभी आगे की बात है, नेक्स्ट बोलिए फटाफट, अब हो गया। चलो अब बाकी पूरा सीट खत्म कर लेंगे, और भी कोई डाउट होगा तो वो जिसके पास कोई भी जो MCQ की बुक हो, MTG हो या डॉक्टर अली हो, उसको भी सॉल्व कर लेंगे, इसीलिए आपको मैंने ये सीट दिया, इसके भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं। Thank you.
सब्जेक्ट मान लिया।